दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कैसे जो है फ़ोन में सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं अपने किसी भी स्मार्टफोन में, चाहे वो रियलमी, सैमसंग या फिर ओप्पो, वीवो, कोई भी ब्रांड का आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो उनमें सॉफ्टवेयर चढ़ा पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और यही चीज़ें कराने के लिए आप दुकान वगैरह जाएंगे तो खर्चे वगैरह हो जाते हैं। तो इस वीडियो को देखते रहिए और आज के बाद आप जान जाएंगे कैसे फ़ोन में सॉफ्टवेयर चढ़ाते हैं, कौन सा फ़ोन आप चलाते हैं उसके बारे में कमेंट में भी बता दें। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। तो यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया था तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी और ऐसे में टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो जो बनाता हूँ उसकी जानकारी मिलेगी आपको, इसलिए सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दीजिए, ठीक है। और वीडियो देखिए, शेयर भी करेंगे तो उसमें और भी लोग जान पाएंगे, तो इसलिए कमेंट में आप लिख दें अपने फ़ोन का नाम, आप जो फ़ोन चलाते हैं, और मॉडल का नाम लिख दीजिए कमेंट में, ताकि मैं आपके मोबाइल के ऊपर स्पेशल वीडियो बना पाऊँ। और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, दोनों काम कर दीजिए, कमेंट में अपना फ़ोन का नाम और वीडियो को अपने दोस्त वगैरह सभी जगह शेयर भी कर दीजिए, और कमेंट में यह भी लिख दीजिए सॉफ्टवेयर चढ़ाने का ओरिजिनल ट्रिक, क्योंकि मैंने लाइव प्रूफ करके दिखाया है आपको। तो अब चलिए मेथड की ओर चलेंगे, लेकिन देखिए शेयर का भी बटन है, व्हाट्सएप पे क्लिक करिए, फटाक से शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह वीडियो यार सर्विस सेंटर, दुकान यार, जो काम होता है ना सभी जगह, ये उससे भी सोच लीजिए इतना फ़ायदा है कि घर बैठे सब काम कर पाओगे, तो इसलिए सब जगह भेज देना इस वीडियो को। तो देखिए, ये जो फ़ोन है, ये फ़ोन मेरा प्रॉब्लम है, इसको जो है मुझे सॉफ्टवेयर चढ़ा करके ना इसको रिपेयर करना है, मतलब इसको ठीक करना है। तो देखिए, फ़ोन में जो है इसको सॉफ्टवेयर हमको चढ़ाना पड़ेगा। अब मोबाइल में बहुत बार होता है कि मोबाइल चालू ही नहीं होता है, हैंग होता है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में हमें सॉफ्टवेयर चढ़ा करके हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन यही दुकान में जाएंगे करवाने के लिए तो वहाँ ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बहुत सारे फ़ोन के ऊपर भी वीडियो बनाया था सॉफ्टवेयर चढ़ाने के बारे में। तो खैर, देखिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर चढ़ाने के लिए हम एक केबल का यूज़ करेंगे, और जो हमारा डेड फ़ोन है या जिसमें प्रॉब्लम है वो, तो केबल आप ध्यान रखिएगा, आपका टूटा हुआ केबल नहीं होना चाहिए। मैंने देखिए फ़ोन में केबल अभी लगाया और वॉल्यूम बटन को मैंने दबाए रखा, वॉल्यूम अपर वाला बटन, मतलब वॉल्यूम प्लस बटन को दबाए रखें, फिर आपका देखिए डाउनलोड मोड आ जाएगा, और डाउनलोड मोड आने के बाद ना वॉल्यूम प्लस बटन और पावर बटन एक साथ दबाएंगे तो आपका ये आ जाएगा, स्पेशली ये मोड आ जाएगा, डाउनलोड मोड इसको बोलते हैं। तो इसको आपको बस अपर वाला बटन दबा देना है और ये डाउनलोडिंग मोड में जा चुका है। सैमसंग के फ़ोन में डाउनलोडिंग मोड होता है, अगर अब वही बात करें वीवो के मोबाइल में, तो वो डाउनलोड मोड नहीं होता है, फास्ट बूट मोड होता है। तो नाम अलग है, सब काम सब एक ही होता है। तो अब देखिए, हमारा फ़ोन में केबल हमने लगा दिया, अब कंप्यूटर पे चलते हैं। यहाँ पर हमने तीन फाइल रखा है अपने मोबाइल में, सॉरी अपने लैपटॉप में रखा है यार, तो ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये फाइल का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एक सॉफ्टवेयर है, एक फ्लैश टूल है और एक यूएसबी ड्राइवर है, तीन चीज़ है। सबसे ज़्यादा एमबी का तो इसे सॉफ्टवेयर रहता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर 1.5-2 GB का हो जाता है, तो हाँ। और बाकी बात फ्लैश टूल तो 70 MB 60 MB में मिल जाता है, तो ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर हमने सबसे पहले तो एक्सट्रैक्ट कर लेना है आपको, तो सबसे पहले देखेंगे यूएसबी ड्राइवर को मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। यूएसबी ड्राइवर पे गए और इंस्टॉल कर दीजिए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो इससे आपका हुआ कि जो आपके फ़ोन में जो आपका ये यूएसबी ड्राइवर है वो इंस्टॉल होने के बाद ना फ़ोन को डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ भाई फ़ोन तो डेड है या फ़ोन ख़राब है, लेकिन उसको डिटेक्ट कर लेता है ये यूएसबी ड्राइवर की मदद से, जब आप केबल लगाते हैं तो मतलब यह भी एक काम होता है इसको ढूंढने का, तो यह भी इंस्टॉल करना ज़रूरी है। अब इसके बाद देखिए, ये इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम वक्त लगता है, तो ऑलमोस्ट ये इंस्टॉल हो ही गया। और देखिए, मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट किया है ताकि आपका समय बचे। ये इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गया, और यहाँ पर देखेंगे तो अब मेन सॉफ्टवेयर हमारा लगभग 2.7 GB का है लगभग मेरा, तो हो सकता है आपका 2 GB का हो। तो उसको मैंने एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करने के लिए मैंने एक्सट्रैक्ट देखिए मैंने कर दिया, और सॉफ्टवेयर पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। सॉफ्टवेयर का भी जिप फाइल में रहता है, लेकिन ओप्पो के फोन में, ओप्पो का मोबाइल का सॉफ्टवेयर ना जिप फाइल नहीं होता है, लेकिन हाँ सॉफ्टवेयर इतना ही साइज का होता है, तो सब में मेथड सेम होता है।
अब यहाँ पे यूएसबी जो फ्लैश टूल था हमारा तीसरा नंबर वाला, उसको भी हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हमारा बस काम है फ्लैश टूल को रन करना। फ्लैश टूल को रन करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपका फ्लैश टूल खुल गया। और देखिए आपने जो सॉफ्टवेयर को एक्सट्रैक्ट किया था उसका अब काम होगा। हाँ, हमारा ये फ्लैश टूल खुल गया। और यहाँ पे देखिए चार चीज़ है, मतलब AP, CP, CSC और यहाँ पे BL, मतलब BL मतलब बूट लोडर वगैरह होता है। ये चार फाइल है, तो हमें ना जो सॉफ्टवेयर हमने एक्सट्रैक्ट किया, सबसे पहले हम AP को लोड करेंगे। ये हमने डेस्कटॉप पे रखा था, किधर है भाई, हाँ ये मिल गया। ये देखिए चार फाइल है यहाँ पे, AP, CP, BL। तो हम यहाँ पे सब में एक दूसरे को मिला देंगे। हमने AP पे क्लिक करना है, ओपन कर देना है, ओपन कर दो, बस हो गया। ये देखो ओपन हो गया, सॉरी ये BL था, BL हमारा लोड हो गया। उसी तरीके से AP को AP में, CP को CP में, सबको एक जगह आपको ऐड कर लेना है। लेकिन ये सैमसंग के फ़ोन में चार फाइल ऐड करना पड़ रहा है, दिखा ना आपने CSC, AP, ये सब ऐड करना पड़ रहा है। लेकिन वही बात करें ना मोटरोला, रियलमी फ़ोन का, MI में मोबाइल का, MIR मोबाइल का, उसमें एक सॉफ्टवेयर बस लोड करना होता है। खैर आपका भी 2 GB का रहेगा, रियलमी या रहे या आपका कोई भी मोबाइल रहेगा, आपका सॉफ्टवेयर भी 2 GB 2.5 GB का, लेकिन आप में चार टाइप का आपको नहीं मिलेगा, मतलब चार टाइप का उसको जिप को एक्सट्रैक्ट करने के बाद नहीं होता है, आपका एक टाइप ही रहता है। तो ये देखिए काम तो सबका सेम होता है लेकिन ऐसा होता है। तो ये हमने सैमसंग का फ़ोन था, तो देखिए हमने केबल जो लगाया यहाँ पे हमें साइन दिख गया कि हाँ अब कनेक्ट हो गया। मैंने फिर से केबल को डिसकनेक्ट करके फिर से मैंने कनेक्ट किया था, तब देखिए कनेक्ट होके आ गया ब्लू वाला। अब हम सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे फ्लैश करना, क्योंकि हमारा फ़ोन जो है अब कनेक्ट हो चुका है, हमें साइन मिल चुका है, सॉफ्टवेयर भी हमारा लोड हो गया। अब तो देरी है बस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने के। स्टार्ट पे क्लिक किए और देखिए बूट फ्लैशिंग होना शुरू हो गया। वो जो कोडिंग साइड में देख रहे हैं ये इस तरह से होना शुरू हो गया, और ऊपर में देखिए सिस्टम रिकवरी सब वगैरह फ्लैश हो रहा है। तो वीडियो को हमने यहाँ पे फास्ट कर दिया, 4 से 5 मिनट आपको लग जाते हैं ये सॉफ्टवेयर चढ़ने में। वही सर्विस सेंटर में ये सब जो हम कर रहे हैं ना, उसके पास सब कुछ पहले से रहता है, सॉफ्टवेयर रहता है, USB ड्राइवर रहता है। अब सर्विस सेंटर की बात करें या दुकान वाले जो है सब डाउनलोड करके रखते हैं, तो इसलिए उनको टाइम नहीं लगता सॉफ्टवेयर चढ़ाने में। देखिए हमारा सॉफ्टवेयर जो है सक्सेसफुल हो गया, फ्लैशिंग पास हो गया, इसका मतलब हम जो है अब अपने फ़ोन को डिसकनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा वेट कर लीजिए, इंतजार कर लीजिए 30 सेकेंड सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल होने के बाद। तो अब यहाँ पे देखेंगे हमने फ़ोन को बूट किया, मतलब पावर बटन को दबाए रखा और ये ऑटोमेटिक चालू हो गया। कभी कभी तो फ़ोन ऑटोमेटिक चालू हो जाता है, हमें पावर बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल चढ़ जाता है तब। तो अब बस ये ऑन हो रहा है, तो देख सकते हैं फ़ोन हमारा पूरी तरीके से बूट हो गया। और इस तरह से आप अपने मोबाइल को यूज कर सकते हैं, आपके पास चाहे कोई भी मोबाइल हो उसमें सॉफ्टवेयर को ऐसे ही डाल सकते हैं। सर्विस सेंटर सब जो है आपसे इतने पैसे वगैरह चार्ज करते हैं, आपका समय भी जाता है, तो ऐसे में अपने पैसे भी आप बचा सकते हैं, 500 रुपये, 1000 रुपये। बस इस स्टेप को थोड़ा अच्छे से फॉलो करिए जो हमने बताया, ठीक है ना। और देखिए सॉफ्टवेयर चढ़ाते वक्त अगर फेल होता है तो उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और मैं कारण आपको बता दूं, हो सकता है आपका केबल ख़राब हो या आपको और जो प्रॉब्लम होती है ना, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर जो सॉफ्टवेयर चढ़ाने में फेल हुआ था वो। तो खैर आपको इस वीडियो को लाइक कर देनी है, आप समझ ही सकते हैं कितना ये महंगा वीडियो था, कितना ज़रूरी वीडियो था, ये सब चीज़ें कोई आपको फ्री में नहीं बताता है। तो वीडियो लाइक करके ना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप मेरे चैनल पर एक बार देखिए तो सही, मस्त मस्त आपको वीडियो मिलेगा। जैसे मोबाइल को टीवी में चलाना, गेम खेलते हो पबजी फ्री फायर उसको टीवी में डायरेक्ट चलाओ, या फिर दूसरे का व्हाट्सएप चैट कैसे देखते हो, मतलब बहुत सारा टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो बनाता हूँ। और कमेंट में अपने मोबाइल का नाम जरूर लिख दीजिए आप जो मोबाइल चलाते हैं, ठीक है ना। और देखिए कार्ड्स में यहाँ पे जो वीडियो है आप यहाँ पे भी एंड स्क्रीन में देख सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं जो वीडियो आपको अच्छा लगे, और कॉर्नर में क्लिक करके कार्ड से भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो थैंक यू।